हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5paisa। चलिए हफ्ते की शुरुआत करते हुए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स, साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स, साथ ही क्वार्टर फोर रिजल्ट्स भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स की। निफ्टी को अराउंड 17,930 का सपोर्ट मिल रहा है और 18,200 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अराउंड 42,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 43,400 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। इन स्टॉक्स को आप 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है जिसकी बात करेंगे वो है कोटक बैंक फ्यूचर। यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है तो आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं 1,924 के अराउंड। वहीं स्टॉप लॉस 1,962 पहला टारगेट रख सकते हैं, 1,885 और दूसरा टारगेट 1,847 पर रख सकते हैं। इसके बाद है सीक्वेंट, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 80 पर। स्टॉप लॉस 77 पहला टारगेट 83 और दूसरा टारगेट 86 पर रख सकते हैं। फिर है मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 105 पर। स्टॉप लॉस 100 पहला टारगेट 110 और दूसरा टारगेट 116 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, यहाँ पर पुल बैक एक्सपेक्टेड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1,920 पर। स्टॉप लॉस 1,880 पहला टारगेट 1,960 और दूसरा टारगेट 1,995 पर रख सकते हैं। फिर है रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, आप इसे बाय कर सकते हैं 761 पर। स्टॉप लॉस 745 पहला टारगेट 778 और दूसरा टारगेट 790 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक से न्यूज़ की, जिसमें आज देखेंगे एलेम्बिक फार्मा, मैरिको और जेट एयरवेज इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल के क्वार्टर फोर रिजल्ट देख लेते हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट केम एट रुपीज़ 152.6 करोड़ वर्सेज रुपीज़ 22 करोड़ ईयर ऑन ईयर। वहीं रेवेन्यू डाउन रहा 0.6% ईयर ऑन ईयर। एबिटा 32.6% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा। मार्जिन एट 15.1% वर्सेज 11.3% एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। वहीं मैरिको के क्वार्टर फोर रिजल्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 18.6% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा। रेवेन्यू 3.6% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा। एबिटा 13.6% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा। वहीं मार्जिन एक्सपांड हुए टू 17.5% वर्सेज 16% ईयर ऑन ईयर। वहीं मैरिको ने रीअपॉइंट किया है सौगता गुप्ता को एज MD एंड CEO फॉर 2 years। वहीं जेट एयरवेज इंडिया की बात करें तो रुपीज़ 538 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में CBI ने इंस्पेक्ट किया 7 साइट्स इंक्लूडिंग जेट एयरवेज ऑफिसेज एंड नरेश गोयल्स कैनरा बैंक फाइल्ड अ न्यू रुपीज़ 538 करोड़ बैंक फ्रॉड केस विद द एजेंसी। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5paisa और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर देते रहें।